देखिए बच्चों, हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि जब किसी भी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय का या तो आयनन हो जाता है या संगुणन हो जाता है। कहने का मतलब है विलेय या तो आयनों में टूट जाता है या फिर जो विलेय के कण हैं वो आपस में जुड़कर संगुणित हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो विलेय के कण हैं उनकी संख्या में या तो वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, और जिससे क्या होता है अणुसंख्यक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमें मोलर द्रव्यमान मिलता है वो वास्तविक मोलर द्रव्यमान से थोड़ा भिन्न प्राप्त होता है और इसे ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर उसका आयनन या संगुणन होता है तो विलयन में कणों की संख्या में भी क्रमशः वृद्धि और कमी होती है। अभी अभी हमने बात की है, जिससे अणुसंख्यक गुणों में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। देखिए बच्चों, यदि KCl के एक मोल को जल में घोला जाए तो यह K+ एवं Cl- आयनों में टूट जाता है। देखिए बच्चों, हमें पता है ना KCl कैसा है, KCl आयनिक यौगिक है। जब इसे हम किसी भी विलायक में घोलेंगे तो ये K+ और Cl- के रूप में क्या होगा, टूट जाएगा। देखिए, यानी अर्थात विलयन में विलेय कणों के हमें दो मोल कण प्राप्त होंगे। तो देखिए, एक मोल KCl को जब विलायक में घोला तो हमें दो मोल कण प्राप्त हुए, एक तो K+ के और एक Cl- के। ठीक है, परिणाम स्वरूप अणुसंख्यक गुण दो मोल कणों के अनुरूप प्राप्त होंगे। यानी अब जो हमें अणुसंख्यक गुणधर्मों के जो मान प्राप्त होंगे वो इन दो मोल कणों के अनुरूप प्राप्त होंगे, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म सीधा सीधा विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चूंकि अणुसंख्यक गुण मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म कैसे डिपेंड करते हैं, वो क्या होते हैं, मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखो, जो एक मोल KCl है, एक मोल KCl का मतलब होता है 74.5 ग्राम। ठीक है, 74.5 ग्राम KCl। अब देखिए, आयनन या वियोजन होने पर हमें कितने मोल कण प्राप्त हो रहे हैं, दो मोल कण प्राप्त हो रहे हैं। यानी अब जो हमें KCl का मोलर द्रव्यमान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 74.5 और डिवाइड कर देंगे दो से, क्योंकि हमें दो मोल कण प्राप्त हो रहे हैं ना। तो अब जो KCl का मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा वो हमें 37.25 ग्राम प्राप्त होगा। तो देखा आप लोगों ने भाई, वास्तव में तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो 74.5 ग्राम होता है, लेकिन अब हमें कितना प्राप्त हुआ, 37.25 ग्राम। ठीक है, आगे देखिए, अर्थात जब विलेय का आयनों में वियोजन होता है तो प्रायोगिक तौर पर मापा गया मोलर द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। और आप लोग खुद देखिए, ये तो KCl का वास्तविक द्रव्यमान है और ये इसका क्या है, जो हम लोगों ने क्या किया, नापा है प्रायोगिक तौर पे। क्लियर है, आगे देखिए, यदि विलेय का विलयन में संगुणन होता है तो विलयन में कणों की संख्या में कमी आ जाती है। देखिए बच्चों, अगर संगुणित हो गए, दो या दो से अधिक कण आपस में संगुणित हो गए तो क्या हो गई, कणों की संख्या में कमी हो गई और विलेय का अणुभार सामान्य अणुभार से क्या प्राप्त होगा, हमें अधिक प्राप्त होगा। देखिए, उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण देखिए, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के अणुओं का हाइड्रोजन बंद बनने के कारण द्वितयन हो जाता है। कहने का मतलब है बच्चों, जब एथेनोइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, यानी एसिटिक अम्ल को जब बेंजीन में घोला जाता है तो जो दो कण हैं इसके, या ये बोल सकते हैं कि जो दो अणु हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंद बनाकर उनका क्या हो जाता है, द्वितयन को डाइमराइजेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, यानी द्विलग बन जाता है, इसे एक और नाम दिया गया है, द्विलग बन जाता है, जिससे कणों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आपने क्या देखा कि एसिटिक अम्ल के जो दो अणु हैं वो आपस में संगुणित हो गए, तो संगुणित होने से क्या हुआ, जो वास्तव में जो कणों की संख्या है वो क्या हो गई, कम हो गई ना, कणों की संख्या घट गई। तो देखिए, ये दो एसिटिक अणु हैं और इस तरीके से ये संगुणित हो गए। अब कैसे संगुणन हुआ, देखिए, एक एसिटिक अम्ल है, ये एक एसिटिक अम्ल है,
इसके ऑक्सीजन और दूसरे एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन। देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो एक एसिटिक अम्ल है, देखिए ये एसिटिक अम्ल का एक अणु है, ये एसिटिक अम्ल का दूसरा अणु है, ध्यान से समझिए। इस एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से इसके ऑक्सीजन, इस एसिटिक अम्ल के ऑक्सीजन और इस एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन के बीच में भी ये जो डैश डैश करके आपको दिखाया गया है, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसका द्वितयन हो गया, द्विलक का निर्माण हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे ही द्विलक का निर्माण होगा, जो कणों की संख्या है उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। आगे देखिए, अतः ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होते हैं, विलेय के असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं। तो समझ में आ गया, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होते हैं, कि ऐसे मोलर द्रव्यमान जो हमें सामान्य मोलर द्रव्यमान के मान की तुलना में या तो कम प्राप्त होते हैं या अधिक प्राप्त होते हैं, उन्हें ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, इस असामान्य मोलर द्रव्यमान को बताने के लिए वॉन्टहॉफ, एक वैज्ञानिक हुए थे वॉन्टहॉफ, उन्होंने एक गुणांक दिया जिसे वॉन्टहॉफ गुणांक कहा जाता है, और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है इस गुणांक को। तो देखिए, इसके लिए वॉन्टहॉफ ने वॉन्टहॉफ गुणांक स्मॉल आई का प्रतिपादन किया। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, जो वॉन्टहॉफ गुणांक है इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, यानी वॉन्टहॉफ गुणांक आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान, और इसमें भाग दे देंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान का। देखिए इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आई निकालने के लिए, वॉन्टहॉफ गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सामान्य मोलर द्रव्यमान में असामान्य मोलर द्रव्यमान का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। क्लियर है। देखिए इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये इक्वल है, इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण में जो प्रेक्षित किया हुआ अणुसंख्यक गुणधर्म है उसमें हम परिकलित अणुसंख्यक गुण का अगर भाग दे देते हैं, तब भी हम इस आई को, इस वॉन्टहॉफ गुणांक को पता कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या, और इसमें हम लोग भाग दे दें संगुणन और वियोजन के पूर्व कणों के कुल मोलों की संख्या का। तो इन तीनों तरीके से, इन तीनों फॉर्मूलों से हम वॉन्टहॉफ गुणांक के मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि वॉन्टहॉफ गुणांक कैसे निकाला जाता है। आगे देखिए, संगुणन की स्थिति में आई का मान एक से कम होता है, जबकि वियोजन में यह एक से अधिक होता है। तो देखिए बच्चों, आई का मान वन के बराबर कब होगा, आई का मान वन के बराबर कब होगा, जब ना तो विलेय का आयनन हो रहा है ना ही संगुणन, ना तो आयनन हो या हम ये कह सकते हैं न ही विलेय का क्या हो, संगुणन। ठीक है, उस परिस्थिति में तो आई का मान किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। और आई का मान वन से ज्यादा कब होगा, जब क्या हो, विलेय का वियोजन हो, जो विलेय है उसका क्या हो, विलेय का, जब विलेय का क्या हो, वियोजन, या जिसे आयनन भी बोल सकते हैं, जब विलेय का वियोजन हो यानी वो टूट जाए, जब विलेय टूट जाए यानी विलेय का वियोजन हो या आयनन हो, तो आई का मान हमें एक से ज्यादा प्राप्त होगा, ये एरो है। और अगर संगुणन होगा, यदि विलेय के कणों का संगुणन होगा, तो हमें आई का मान एक से क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा, विलेय का संगुणन हो, यदि विलेय कणों का क्या हो जाए, संगुणन हो जाए। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होगी। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब विलेय को विलायक में डालने पर, विलेय को विलायक में डालने पर ना तो आयनन हो ना ही संगुणन हो, तब तो आई का मान, आई का मतलब है वॉन्टहॉफ गुणांक का मान किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा, एक के बराबर होगा। यदि विलेय का वियोजन हो जाए या आयनन हो जाए, उस परिस्थिति में आई का मान एक से ज्यादा होगा। और अगर विलेय का संगुणन हो जाता है, विलेय कणों का संगुणन हो जाता है, तब आई का मान हमें एक से क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। तो ये तीनों परिस्थिति आपको समझ में आई होगी कि आई का मान किस तरीके से हमें प्राप्त होगा।
अब देखिए वॉन टॉफ ने क्या किया, वॉन टॉफ ने जो अनुसंख्यक गुणधर्मों के जो सूत्र थे उन सूत्र में इस वॉन टॉफ गुणांक को क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिया। तो देखिए क्या इक्वेशन बनी जब वॉन टॉफ गुणांक को उन्होंने सम्मिलित किया। देखिए बच्चों, वॉन टॉफ गुणांक को शामिल करने पर अनुसंख्यक गुणों के लिए समीकरण, जब अनुसंख्यक गुणों के जो समीकरण है उसमें वॉन टॉफ ने वॉन टॉफ गुणांक आई को सम्मिलित किया, तो देखिए हमें क्या इक्वेशन मिली। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में। तो देखिए हमें क्या फॉर्मूला मिला जब वॉन्ट ऑफ गुणांक को इसमें इंसर्ट किया गया। देखिए P1 naught - P1 upon P1 naught बराबर I N2 upon N1। देखिए यहाँ पे वॉन्ट ऑफ गुणांक को इंसर्ट किया गया है, ठीक है। आगे देखिए दूसरी हम बात कर रहे हैं क्वथनांक के उन्नयन की। क्वथनांक का उन्नयन यानी ΔTB बराबर IKBM, तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट कर दिया वॉन्ट ऑफ गुणांक को, ठीक है। तीसरी हम लोग बात कर रहे हैं हिमांक के अवनमन की। तो देखिए हिमांक अवनमन ΔTF बराबर IKFM, ये यहाँ पे देखिए वॉन्ट ऑफ गुणांक ऐसी। अब हम फोर्थ नंबर पे बात कर रहे हैं विलयन के परासरण दाब पाई के बारे में। तो पाई बराबर IN2RT upon V, ये इंसर्ट कर दिया वॉन्ट ऑफ गुणांक को। तो देखिए बेटा वॉन्ट ऑफ ने क्या किया, वॉन्ट ऑफ ने वॉन्ट ऑफ गुणांक को इन अनुसंख्यक गुणधर्मों की जो इक्वेशन थी, इनकी जो समीकरण थी, उनमें इन्होंने इंसर्ट कर दिया और इस तरीके से हमें ये समीकरण प्राप्त हुई है। तो देखिए ये आपको जो आज हम लोगों ने असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों, अब हमारा जो सेकंड चैप्टर था विलयन, वो समाप्त हो चुका है और आगे के वीडियो में हम लोग जो हमारी किताब के अभ्यास प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। जब ये पूरे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे, भाई इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स जब आपको क्लियर होंगे तो उन प्रश्न उत्तरों को करने में हमें बहुत मजा आएगा और आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरीके से हमें एग्जाम में उनका आंसर लिख के आना है, ठीक है। तो पढ़िए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।